नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की सुस्ती भरे बाजार के बाद क्या कल बाजार में वापस लौटेगी तेजी या फिर आएगी एडिशनल सेलिंग, ये पहला टॉपिक होने वाला है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंडली, FIDIs का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मेरा आज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही जानने में था कि भैया आज FIIs और DIIs ने क्या करा है, क्योंकि इंडेक्स तो मेरे को कुछ कहने को तैयार नहीं था और स्टॉक्स की संख्या जहां तेजी थी बड़ी तेजी थी और जहां गिरावट थी वहां छोटी मोटी गिरावट थी। तो वो मैं देखना चाह रहा था कि कैसा डेटा है, तो वहां भी कमाल का डेटा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और नेट लेवल पे नहीं ओवरऑल लेवल पे भी करूंगा, तो वो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आप सभी के साथ बात करेंगे हम स्टॉक स्पेसिफिक, जहां एक्शन भरपूर है और उम्मीद यह है कि रहेगा भी। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, कुछ नंबर्स आ चुके हैं, कुछ आना शुरू होंगे कल से। आज तो शेल बाय का ही नंबर आया था, बाकी तो कल से ही आपके लिए दो तीन नंबर आना शुरू होंगे, तो वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को, सारे टॉपिक्स को कवर करना। सबसे पहले शुरुआत डेटा की मदद से करना चाहूंगा, FIDIs के डेटा। दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्टेड, बहुत ही छोटा डेटा है। अगर FIIs की बात करूं तो टोटल 13,564 करोड़ की बाइंग हुई और 13,503 करोड़ की सेलिंग हुई। नेट फिगर केवल 61 करोड़ की बाइंग का आया, तो कुछ नहीं करा इन्होंने आज, जितना बेचा उतना खरीदा, नेट फिगर पॉजिटिव है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि FIIs शांत हो गए हैं, स्टॉक्स में भी नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन DIIs ने बड़ा गेम खेला है आज, 14,355 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके सामने 11,488 करोड़ की सेलिंग थी। नेट फिगर 2,866 करोड़ की बाइंग का गया, तो ये दर्शा रहा है कि DIIs तो कंटिन्यू बुलिश बने हुए हैं, और जब कोई नहीं खरीदता तो DIIs आ जाते हैं सामने से लेने, और उसके बाद जब बाजार पॉजिटिव हो जाता है तो रिटेल और FIIs आते हैं बाजार में खरीदारी करने। अगर आप मोटा मोटी रूप में देखें तो आप नोटिस करिएगा, जब भी बाजार में तेजी बनती है तो दो लोग खरीदार होते हैं, एक रिटेल कैटेगरी यानी आप और हम, और दूसरा FIIs। DIIs शांत होते हैं, और जब बाजार में रिटेल थोड़ा साइड में बैठ जाता है, बाजार सुस्त लगता है इंडेक्स पे, तो आपको दिखता है DIIs की बाइंग का फिगर, जैसे कि आज। अब निफ्टी के प्रेडिक्शंस पे आते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बोला था, आज सुबह 10:30 फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, वही कहूंगा, मार्केट में शॉर्ट बनता नहीं है, लॉन्ग आप करोगे 24,425 के ऊपर। जब तक 24,400 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी निफ्टी, तब तक कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के फायदा नहीं है। अभी भी क्रिस्टल क्लियर व्यू है और शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, तो किस रीजन से बेचूं मैं, क्या डेटा है मेरे पास जो मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, तो वो मेरे लिए बस की बात नहीं है, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऊपर निकलेगा मैं लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा और ऊपर निकलते ही खरीदूंगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है चलिए समझते हैं। अमेरिका थोड़ा उथल पुथल मचा रहा है और एशिया पैसिफिक नेगेटिविटी आ रही है दोस्तों, नेगेटिविटी आ रही है। निकाई से 1.5% नीचे है, शंघाई 1% नीचे है और हैंगसेंग 1.5% नीचे है, तो ये स्क्रीन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। यूरोप के बाजार की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और कैक में 0.5% की गिरावट है, तो लाल निशान ज्यादा है आज ग्लोबल मार्केट्स में, ये इंटरेस्टिंग पक रहा है आज। यूएस मार्केट में डाउ जोन 100 पॉइंट ऊपर था, अभी 70 पॉइंट नीचे हो गया है, ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन 70 पॉइंट नीचे है। नैस्डेक इंडेक्स अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, लगभग 37 पॉइंट ऊपर है, हालांकि परसेंटेज टर्म्स में ये भी कुछ बड़ा मूव नहीं दे रहा है, और S&P 500 तो केवल 1 पॉइंट का मूव दे रहा है लाल निशान में, तो यहां भी कुछ भी नहीं है। रसेल 2000 हालांकि 0.5% गेन्स दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज है, बाकी कुछ भी खास नहीं हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत नहीं है। निफ्टी में हमें एक ही चीज को ध्यान में रखना है, उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। गिफ्ट निफ्टी 20-25 पॉइंट नीचे का लेवल दिखा रहा है, एशिया पैसिफिक नेगेटिविटी है, FIIs का डेटा सुस्त है, तो मार्केट पे एक्चुअली में कुछ दिमाग में बन ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ओपन मार्केट में स्क्रीन जहां पे एक्शन दिखा है वही एक्शन है, वही फोकस कर लो। थीम बेस्ड स्टॉक ज्यादातर चल रहे हैं, जैसे कि कभी रेलवे चलता है, कभी शिपिंग चलता है, कभी डिफेंस चलता है, कभी PSU स्टॉक्स चलने लगते हैं,
तो थीम बेस्ड स्टॉक चल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में कुछ मजा आ नहीं रहा है, लोगों को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा नुकसान होता जा रहा है जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं। अगर अभी आज की बात करूं तो लगभग 1335 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी पे, 878 शेयर्स पॉजिटिव थे। अगर मार्केट की बात करें तो आज केमिकल चला, फर्टिलाइजर चला, रेलवे चला आपका, ये आज की मोमेंटम वाली थीम थी। गिरावट में मिक्स था, कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक था, मिक्स गिरावट थी, यानी कि मिली जुली गिरावट आप कह सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक। खबरों के दम पर देखें तो कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं बड़े एक्शन के लिए। हाँ, अब ये जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है तो वो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 9 जुलाई है कल, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ₹7.30 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, पॉलीकैप ₹30, परसिस्टेंट ₹10, जेके सीमेंट ₹20, ग्राइनवेंड नॉर्टन ₹17, डीसीएम श्रीराम ₹2.60, इंगरसोल रेंट ₹20, इंडिया इंफ्राविट ट्रस्ट ₹1.92, दीप इंडस्ट्रीज ₹2.44, लग्नम स्पिनटेक्स आपके लिए लगभग ₹0.50, एंड बैद फिनजब ₹10, अतिशय ₹1। रिजल्ट्स की बात करें तो कल आपके डेल्टा कॉर्प के नंबर आने हैं। इंटरेस्टिंगली आज डेल्टा ने 7.5% की तेजी दिखाई है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। जीएम ब्रेवरीज के नंबर आते हुए दिखेंगे कल आपको, और बड़े नाम में आरएस सॉफ्टवेयर भी दिख रहा है, बाकी कोई बड़ा नाम मुझे दिख नहीं रहा है। एक स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 1200 करोड़ का है, इराया लाइफ साइंसेज, इसके भी कल रिजल्ट्स आएंगे तो मैंने सोचा इसको क्या ही डिस्कस करूं, बट देखा मार्केट कैप बड़ा है तो ठीक है डिस्कस कर लिया। तो ये स्टॉक्स थे जो कल आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।